हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान, आप मेरे चैनल अनिल से मोर पर। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है भारतवर्ष के लिए। तो क्योंकि गणतंत्र दिवस है, उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में आपको बताने वाले हैं। और जो है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भी थोड़ी देर में जो झंडारोहण होगा, और हमारे जो निदेशक साहब है वो इस झंडारोहण को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र जो दिवस है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि जो है क्यों इसको मनाया जाता है। 1950 में ये लागू हुआ था। उस वक्त जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा के ये लागू हुआ था। उससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में जो है इस पर शासन होता था। 1950 को, क्योंकि हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, तो उसके बाद कुछ नियम कायदे बनाने थे, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो सबसे पहले तो ये कि 26 नवंबर 1949 में इसको अपनाया गया। और जो 26 जनवरी 1950 को जो लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली द्वारा इसको लागू किया गया, 26 जनवरी का दिन क्यों लिया गया? तो 26 जनवरी का दिन इसलिए लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने स्वराज की घोषणा की थी, इसलिए 26 जनवरी का दिन इसको चुना गया। 26 जनवरी 1950 को इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, अब आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में, जहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है ध्वजारोहण होगा। हमारे जो निदेशक है NIT हमीरपुर के, तो चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, अभी एडमिन ब्लॉक के सामने, जहाँ पे ध्वजारोहण होने वाला है, और डायरेक्टर सर वहाँ पे होंगे। हमारे साथ ही डायरेक्टर हमारे मित्र डायरेक्टर मैडम होंगे। उपेंद्र जी, चलो चलते हैं। As a tribute to our nation, I request Dr. Amrit Roy, Navy Wing, Dr. Aniket Sharma, Army Wing, and Dr. Rajiv Kumar, Air Force Wing, to escort our chief guest for flag hoisting. Let us all rise for the national anthem.
now like to request our chief guest, Professor Lalit Kumar Awasthi, Director of NTU Hamirpur, to deliver the Republic Day speech. चेतावनी प्रणाली के लिए प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग मिलकर के हेली टैक्सी चालक रहित कारों सौर वाहनों के लिए प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। साथ ही ये अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और उसके भंडारण के लिए कुशल समाधान विकसित कर सकते हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर विभाग ऐसे समाधान प्रदान कर सकता है जो अभिनव समाधान प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में संस्थान ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं जिनमें प्रमुख है श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रधान जी और ऑनरेबल मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति का लागू किया गया है। इसको हमारे संस्थान ने अब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। हम अग्रणी संस्थानों में से एक हैं और इस नई शिक्षा नीति का ऑब्जेक्टिव है कि भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। इसी तरह हमने नई आईपीआर पॉलिसी, नई प्रोजेक्ट सबमिशन पॉलिसी, नई स्टार्टअप पॉलिसी वो भी अपने संस्थान में लागू कर दी है। संबंधित उनके लिए समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही नए प्रोडक्ट बनाने और उनका आईपीआर फाइल करने की बहुत संभावना है। तो मुझे लगता है कि संकाय सदस्य पहले भी कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमने 11 आईपीआर फाइल किए हैं, तो मुझे लगता है कि ये ग्राफ काफ़ी ऊपर जाएगा। और इस वर्ष क्योंकि हमने 27 लाख रुपए इसके लिए ईएमआर किए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हम काफ़ी सॉल्यूशन जो हैं इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे छात्र हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, नए स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना, ये भी संकाय सदस्यों का बहुत मन को विराम देता हूँ। इस दिन आइए हम अपने प्यारे देश की प्रगति के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और उत्साह के साथ काम करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें ताकि भारत प्रगति में विश्व में अग्रणी देशों में अपना नाम लिखा सके। अंत में मेरा आप सबसे निवेदन है कि चलो मिलकर कुछ ऐसा करें कि हम अपने देश को सफलता की ऊंचाइयों पे ले जाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for that. So, as we come to the end of today's program, I would like to say something. Due to ongoing pandemic, COVID-19 pandemic, as we all know, the Republic Day celebration program has been cut short, and cultural events are not included this time. So, maximum students are still in their homes, taking their online classes. Institute wishes everyone a very happy Republic Day to all present here, and also to those who are in their native homes. Thank you.